नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजू और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रोजगार के अवसर। दोस्तों, इंटरनेट ने हम सबकी लाइफ को काफ़ी आसान बना दिया है। अब चाहे ITI फाइल करनी हो, पैन कार्ड बनवाना हो या फिर आधार कार्ड की फ़ोटो डाउनलोड करनी हो, हम ये एक क्लिक में बहुत ही आसानी से घर बैठे निपटा सकते हैं। तो हम यहाँ सिंपल भाषा में बात करें तो पहले जो काम बहुत ही ज़्यादा सरदर्दी वाले थे वो हम घर बैठे बहुत ही आसानी से अब इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं, और उसी में से एक है पासपोर्ट बनवाना। पहले जहाँ पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों के सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते जूते खिंच जाते थे, उसी काम को अब हम भारत सरकार के नियमों में हुए बदलाव के कारण घर बैठे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अब भी कुछ लोगों को जानकारी के अभाव से पासपोर्ट बनवाने के लिए लोग एजेंट हायर करते हैं और एजेंट को एक मोटी फीस देते हैं ताकि उनको फॉर्म भरना हो गया, अप्लाई करना हो गया, इन सारे झंझट से वो बच सकें। तो दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप बहुत ही आसानी से पासपोर्ट का फॉर्म घर बैठे ऑनलाइन भरकर खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि किस तरह आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आगे क्या क्या प्रोसेस होगी जो आप बहुत ही आसानी से अकेले ही निपटा सकते हैं। इसके लिए किसी भी आपको दलाल को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपको पूरा करके बताते हैं कि आपको ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउज़र में इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट इस तरह आपके सामने खुल जाएगी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे ऊपर रेड कलर में न्यू यूज़र लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का पेज इस तरह खुल जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने पासपोर्ट का ऑफिस सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको एक बार जाना होगा। तो अगर आप सिटी में रहते हैं तो अपने शहर का नाम यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने पास के शहर का कोई भी ऑफिस आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम टाइप करना है जो कि आपके आधार कार्ड में और बाकी आपकी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी ईमेल टाइप करनी है। यहाँ अपने मन से कोई पासवर्ड बनाइए। उसके बाद में यहाँ से कोई एक सवाल चूज़ कीजिए, उसका नीचे आंसर टाइप कीजिए और नीचे रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पर वेरीफाई के लिए एक कोड भेजा जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट इसके तरह आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ लॉगिन आईडी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह इस वेबसाइट पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। दोबारा से इस वेबसाइट के होम पेज पर वापस आए और यहाँ ग्रीन कलर में लॉगिन लिखा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। इस बॉक्स में अपने लॉगिन आईडी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपने जो भी पासवर्ड बनाया था वो यहाँ डालकर जो इस फोटो में कैप्चा दिया गया है उससे यहाँ टाइप करके लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक तो आप फॉर्म को डाउनलोड करके दोबारा से अपलोड करोगे या फिर इस फॉर्म को ऑनलाइन ही भर सकते हैं। तो हमारी राय होगी आप ऑनलाइन ही भर लीजिए, ये बहुत ही ईजी रहता है। तो हम आपको ऑनलाइन ही भरकर आज बताएंगे। तो आप ऊपर वाले ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको अपना स्टेट और आपका जिला चूज कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में आपको फ्रेश पासवर्ड, आप नया बना रहे हो इसलिए फ्रेश पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर तत्काल नहीं, आप नॉर्मल ही बना रहे हो इसलिए नॉर्मल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में नीचे आपसे पूछेगा आप 36 पेज का पासवर्ड बनाना चाहते हैं या फिर 60 पेज का। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे दोनों पासवर्ड सेम होते हैं, इसमें आपको कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। सिर्फ उसमें पेज 36 होंगे, उसमें 60 होंगे। तो 60 वाले की 2000 रुपये फ़ीस लगती हैं और 36 पेज वाले की 1500 रुपये फ़ीस आपको देनी होगी। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल ज़्यादा करते हैं, आप विदेशों में ज़्यादा घूमते हैं, तो आप 36 पेज या पर 60 पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वरना आप अगर कभी कभी बाहर जाते हैं तो आप 36 पेज वाला बनवा सकते हैं, और दोनों सेम ही होते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अगले पेज में आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। दोस्तों, ये डिटेल फिल करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास जो गवर्नमेंट की आईडी है वो सारी डिटेल उससे मैच होनी चाहिए ताकि आपको कल को कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इंडिया के रहने वाले हैं, आप मैरिड हैं, सिंगल है, ये सारी डिटेल हैं। ये सारी फिल करने के बाद में यहाँ पर यस एग्री करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, अगले पेज में आपसे आपकी फैमिली डिटेल पूछेगा, तो आपके फादर का नाम, मदर का नाम यहाँ पर फिल कीजिए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। फिर अगले पेज में अपना एड्रेस भर के नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए।
इसके बाद में अगले पेज में आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछेगा। तो यहाँ अपने फैमिली के किसी मेंबर की आप डिटेल दे सकते हैं। ये इसलिए पूछते हैं कि किसी कारणवश आपसे कॉन्टैक्ट ना हो सकें तो वो आपके फैमिली में आपको इन्फॉर्म कर सकें। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपसे दो रेफरेंस पूछेगा, तो आप अपने दो खास दोस्तों की डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होता है। पुलिस अगर उन्हें कॉल करे तो वो आपके बारे में कुछ पूछे तो बता सके। वैसे दोस्तों पुलिस का कॉल नहीं आता है, आपको एक बार वेरिफिकेशन के लिए थाने जाना होता है, वो आपको खुद ही बुलाएंगे। तो यहाँ दो लोगों की डिटेल देकर फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आपके पासपोर्ट की डिटेल आपसे पूछेगा कि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं या फिर पहले भी आप आवेदन कर चुके हैं और तब किसी कारणवश आपका पासपोर्ट नहीं बन पाया था। तो आप जो है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार चुनकर आप इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों इस पेज में आपको ये सारी डिटेल ध्यान से पढ़कर हाँ या ना पर टिक मार्क लगाना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है आप पर कोई पुलिस केस दर्ज हो चुका है, आप अभी जेल जा चुके हैं, तो आप इसको हाँ या ना जैसे है उसमें वैसे वैसे ठीक करके हाँ या ना पर टिक मार्क लगाकर फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो ये सारी जानकारी देने के बाद में आपका पासपोर्ट आपको दिखाएगा कि ये इस तरह बनकर तैयार होगा। तो इसमें कुछ भी मिस्टेक है आप पूरा देख लीजिए, सही है तो इसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों इस पेज में आपसे पूछेगा आप कहाँ पर रहते हैं, वो आप यहाँ टाइप कर दीजिए। नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए। नीचे आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि आप अपने मोबाइल पर SMS सेवा शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दीजिए, और नीचे अगर करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए, क्योंकि इसमें 45 रुपये ये आपसे चार्ज लेता है। इससे आपको पता चल जाएगा आपका पासपोर्ट कहाँ तक पहुँचा है। तो अगर लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिए वरना नो करके यहाँ सेव फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही फीस यहाँ पर जमा करवानी होगी, जो कि 36 पेज वाले की 1500 रुपये है और 60 पेज वाले की 2000 रुपये है। तो फीस भरने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपने डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। दोस्तों पेमेंट करने के बाद में आपको अपने नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी। आपको निर्धारित तिथि पर पासपोर्ट ऑफिस में जाना है। वहाँ पर आप अपनी दो फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी के साथ में, अगर आप 10वीं पास हैं तो उसकी मार्कशीट भी साथ लेकर जाएं। वहाँ पर ऑफिसर आपके साइन लेगा, साथ ही आपकी फिंगरप्रिंट और आपकी फ़ोटो भी क्लिक करेगा। दोस्तों उसके बाद में 6 या 7 दिन के बाद में वो आपकी फ़ाइल आपके नज़दीकी जो थाना पड़ता है वहाँ थाने में भेज देगा। इसके बाद में आपको वेरिफिकेशन के लिए थाने में बुलाया जाएगा। तो वहाँ पर भी आप अपने साथ दो फोटो, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी और अपना चरित्र प्रमाण पत्र साथ लेकर जाए। दोस्तों वहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और आपके साइन होंगे। आपसे साइन होने के बाद में आपकी फ़ाइल आपके एरिया का जो SP ऑफिस है वहाँ पर भेज दी जाएगी। और फाइनली वहाँ से वेरीफाई होने के बाद में आपका पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा, जो 7 दिन बाद आपको डाक से मिल जाएगा। तो दोस्तों आवेदन करने से लेकर पासपोर्ट आपके हाथ में आने तक 15 से लेकर 20 दिन का समय यहाँ पर लग जाता है। और अगर आपको ये फॉर्म भरना झंझट का काम लगता है या फिर आपको समझ नहीं आता है कि इसमें क्या और कैसे भरना है, तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र सेवा केंद्र में चली जाइए, वो आपका फॉर्म भर देगा। उसके बदले वो आपसे 200 या 300 रुपये तक ले सकता है। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता है या मुझसे आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के ज़रिए आप हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारी आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी ज़रूर दबा लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।